अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज फिर मैंने की है फ्री में शॉपिंग, और कैसे की है वो मैं आपके साथ करती हूँ अभी शेयर। और मैं ये व्लॉग जो हूँ ये मैं कल ही में पोस्ट करूँगी, ताकि जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो वो ज़रूर लें, और जो लोग अमेरिका में रहते हैं उन लोगों को तो ज़रूर जो है ये सब चीज़ें लेनी चाहिए, मैं तो कहूँगी। और आप मेरी वीडियो देखना, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। और अभी अभी हम लोग दूध वगैरह जो है वो लेके आए हैं, और बाकी भी कुछ मैंने बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो बाय की हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी शॉपिंग ट्रिक्स, कि शॉपिंग जो है मैं फ्री में जो हूँ वो कैसे करती हूँ। और एक और बात कि हमेशा ही मैं फ्री में नहीं करती, सम टाइम्स जब यहाँ पर अच्छी डील्स होती हैं और मेरे पास अच्छे कूपन्स होते हैं तो फिर जो है ना ऑलमोस्ट मुझे फ्री में ही चीज़ें मिलती हैं। और अभी मैं आपके साथ घर जाके शेयर करती हूँ। जो लोग यूएसए में रहते हैं आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि किसी का भला करना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और मैं अगर चाहती तो झूठ भी बोल सकती थी, मतलब क्या ज़रूरत है बताने की ना, कि आप इतने सस्ती और बिल्कुल फ्री में जो है वो चीज़ें लेके आए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो एक्सपायर है और एक अच्छे स्टोर से, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि डील्स वगैरह जो है वो लगती रहती हैं, तो फिर उससे ज़ाहिर है कि फ़ायदा जो है वो ज़रूर उठाना चाहिए। तो अभी मैं घर जाती हूँ, फिर मैं करती हूँ डिटेल में आपके साथ शेयर कि कैसे मैंने बिल्कुल फ्री में बहुत अच्छी अच्छी मज़े की और एक्सपेंसिव वाली जो चीज़ें हैं, ऐसी नहीं कि सस्ती $2-4 वाली, नहीं, जो महंगी चीज़ें हैं मैंने वो बाय की हैं, और बिल्कुल फ्री में कैसे बाय की हैं ये मैं आपके साथ करती हूँ शेयर घर जाके। और ये देखें, यहाँ पर जो है ना वो वाइल्ड लाइफ बिल्कुल आसान है, आपको हिरन, मोर, डक, स्क्वर्ल्स सब कुछ जो है वो ऐसे रोड पे चलते चलते जो है वो नज़र आ रहा होता है, जो चीज़ें हम लोग पाकिस्तान में जो है वो जू में जाकर स्पेशल देखते हैं। तो खैर, आज बहुत ही प्यारी जो है वो धूप निकली हुई है, बड़ा ही ब्राइट सा डे है। मेरा घर जो है ये बिल्कुल सामने ही है, आ चुका है घर, और बस अब चलते हैं घर पर। और जाके सबसे पहले तो मैं करती हूँ आपके साथ शेयर बड़ी मज़े की चीज़ें, और फिर ब्लॉग जो है हम लोग अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। फाइनली वापस जो हूँ मैं आ चुकी हूँ, और अब मैं करती हूँ आपके साथ शेयर शॉपिंग की है और क्या लिया है क्या नहीं लिया है सब कुछ आपके साथ करती हूँ शेयर। हर चीज़ जो हूँ ना मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर विद प्रूफ, ताकि किसी को ऐसा नहीं लगे कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ या क्या चीज़। अच्छा, ये है यहाँ पर शी मॉइस्चर के जो हैं ये बॉडी जो डिओड्रेंट्स होते हैं ये वो है, इनकी फ्रेग्रेंस बहुत 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 ज़्यादा जो है वो अच्छी है। और इसके एक्चुअल जो प्राइस हैं वो हैं 11.99 ये ईच है, जो कि ऑलरेडी ही जो है वो ऑफ पर थी, और इसके एक के जो प्राइस है वो थे 7.79, और प्लस ऑलरेडी ही ये क्लियरेंस पर थी और उस पर बाय वन एंड गेट वन जो था वो हाफ था। तो ये मेरे बन गए $10-12 जो है ऑलमोस्ट, ये बन के 11 और समथिंग जो है वो बने हैं। और मेरे पास था इसका कूपन जो कि था $10 का मैन्युफैक्चर्ड कूपन, जिसमें से कि $10 निकल गए, और मुझे ये दोनों डिओड्रेंट्स जो कि एक जो है वो $12 का है और दोनों मिला के इसके $25 जो है वो बनते हैं, लेकिन ये दोनों मुझे पड़े सिर्फ और सिर्फ $1 में। और इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी है। वैसे डिओड्रेंट्स आपको यहाँ पर सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन ये जो है ये महंगे वाले हैं, मैंने आपको दिखाया है $12 जो है वो ईच है। तो ये दो मुझे सिर्फ और सिर्फ $1 में जो है वो पड़े, बल्कि उसमें भी नहीं पड़े, आगे मुझे कैशबैक भी मिल गया, और वो भी मैं अभी करती हूँ आपके साथ शेयर। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी दूसरी प्रोडक्ट। दूसरे हैं ये ट्रेजमे के जो हैं ये कंडीशनर है दोनों ही, इसके शैम्पू पर भी ऑफ था लेकिन वो इतना चीप नहीं था, कंडीशनर ज़्यादा चीप था, तो मैंने दो ले लिए। वैसे इस टाइम जो है ये मैंने अभी अपने बाल जो है वो डाई किए हैं, तो ये जो है ना पर्पल शैम्पू है बेसिकली, जो आपके ब्लॉन्ड जो हेयर्स होते हैं ना उनको बड़ा अच्छा मतलब सिल्वर टोन में जो है वो रखता है। तो अगर आपके बाल आप डाई करवाते हैं तो ज़रूर जो है वो पर्पल शैम्पूज़ यूज़ किया करें। मुझे किस्मत से जो है ये मिल गया था यानी कि ऑफ पर, और यहाँ पर मैं भी आपको इसकी सारी डिटेल बताती हूँ कि किस तरह मुझे इतना कम प्राइस में मिला है। ये देखिए आ चुका है हमारा ट्रेजमे पर्पल ब्लॉन्ड जो है वो शैम्पू और कंडीशनर, ये ईच मुझे मिला है 3.49 का। रेगुलर इसके प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो $7 हैं, 6.99 ईच है, मतलब ये दो जो है वो बनती हैं आपकी तकरीबन $13 में, 13-14 बल्कि डॉलर में, लेकिन मुझे ये ईच जो एक मिली है वो मिली है 3.49 की, और जो दो मिला के इसकी जो प्राइस बनी है वो 6.98, और इस पर मुझे था
$5 का डिजिटल कूपन जो कि मैंने ऑलरेडी क्लिप किया हुआ था, तो यहाँ पर उसमें से $5 जो है वो माइनस हो गए। अब मुझे सिर्फ इस शैम्पू और कंडीशनर के जो है वो $1 और कुछ जो सेंट है वो मुझे पे करने पड़े। प्लस ये था कि अगर आप इनकी दो चीज़ें बाय करेंगे तो आपको $2 जो है वो कैश रिवॉर्ड जो है वो आपको वापस मिलेंगे। ये देखें, ये हैं हमारे मैन्युफैक्चर्ड जो कूपन हमें जो वहाँ से जो है वो मिला है, मतलब प्रिंट कूपन सॉरी। और ये देखें $2 जो है मुझे स्टोर की तरफ से मिले थे कि अगर आप, ये लिखा हुआ भी है कि अगर आप टू जो ट्रेजमे की कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बाय करते हैं तो आपको $2 जो है वो गिफ्ट कह लें, इनाम कह लें, स्टोर की तरफ से जो इन्होंने रिवॉर्ड जो है वो रखे होते हैं। तो मैंने इसका जस्ट $1 और समथिंग पे किया है लेकिन मुझे $2 जो है वो मिल गए हैं। और ये जो है ना, ये उस स्टोर के हिसाब से पैसे हैं, आप इससे कुछ भी बाय जो है वो कर सकते हैं। ये भी मतलब एक हिसाब से मनी ही जो है वो कंसीडर की जाती है। प्लस ये जो है ये तो मेरा बन गया मनी मेकर। अब मैं आपको अपनी तीसरी जो हूँ वो चीज़ दिखाती हूँ। और जो मेरी चीज़ है वो है ये गार्नियर फ्रुक्टिस के जो है ना, ये तीन मैंने लिए थे। ये हैं बेसिकली लिव इन कंडीशनर जो कि बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत टाइम से जो हूँ यही वाले लिव इन कंडीशनर यूज़ करती हूँ। और ये जो थे वैसे इसके जो एक्चुअल प्राइस हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है $5.99 ईच, ठीक है, लेकिन सेल पर था ये $4 ईच और ये मैंने तीन दिए तो तीन बन गए $12 के तीन। और यहाँ पर देखें मेरे पास था $10 का जो है वो मैन्युफैक्चर्ड कूपन, यानी कि अगर मैं ये तीन बाय करती हूँ तो उसमें से $10 जो है वो मेरे माइनस हो जाएंगे, जो कि माइनस हो गए। और ये जो तीनों है ये मुझे मिले हैं सिर्फ और सिर्फ $2 में, बल्कि फ्री में मिले हैं। वो कैसे वो मैं आपको दिखाती हूँ। इनकी ये डील थी, अगर आप इनमें से दो प्रोडक्ट बाय करेंगे तो आपको $3 जो है वो इनाम के तौर पर जो है वो मिलेंगे, रिवॉर्ड जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पर ये थे मेरे रजिस्टर्ड रिवॉर्ड, यानी कि मैंने इसके सिर्फ और सिर्फ $2 पे किए और $3 जो है वो मुझे उन्होंने खुद जो है स्टोर वालों ने दे दिए। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो यहाँ पर सब टोटल जो है वो बना था, वो था $5.40, ठीक है, इन तमाम चीज़ों के, इन सब चीज़ों के इनके प्राइस थे $5.40, ठीक है। और जिसमें अगर आप देखें तो $5 जो है वो तो मुझे यहाँ पर ही मिल गए ना, मतलब मुझे $5 स्टोर की तरफ से वापस मिल गए। अब मेरे मुझे ये सब चीज़ें कितने में पड़ी, 40 सेंट्स में। और अब एक और कहानी में ट्विस्ट है, एक्चुअली में मुझे ये 40 सेंट्स में भी नहीं पड़ी, मुझे फ्री में मिली हैं ये सब चीज़ें, बल्कि मुझे स्टोर वालों ने पैसे दिए हैं कि आप इनको घर ले जाएं। और वो कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। यूज़ किया था ये वाला बूस्टर, मेरे पास था स्पेंड बूस्टर दैट इफ़ यू स्पेंड 25+ सो यू गेट बैक $5 वॉलग्रीन कैश। तो मेरी ये सब जो चीज़ें थी इनके जो एक्चुअल प्राइस थे वो $33 अमाउंट की ये सब जो हैं वो चीज़ें थी। और मेरे पास जो ये था कि अगर आप पाँच मतलब 25 से ज़्यादा डॉलर्स यूज़ करती हैं स्टोर में तो आपको स्टोर की तरफ से $5 मज़ीद जो है वो इनाम मिलेगा, जो कि मुझे मिला भी, क्योंकि मेरी $25 से जो है वो ज़्यादा चीज़ें थी। कहाँ गया ये देखें, मेरा जो बैलेंस था वो पहले था 0.22 और इस विज़िट में मैंने जो अर्न की है वो मैंने अर्न किए हैं $5.33 जो हैं मुझे स्टोर वालों ने दिए, मतलब $5 जो है वो मुझे स्टोर वालों ने यहाँ से दे दिए और $5 जो है वो मुझे यहाँ से मिल गए, मतलब प्लस जो है वो $10 जो हैं वो मेरे पास हो गए। और मेरा जो एक्चुअल जो मेरी परचेजिंग की जो मेरी जो मैंने उनको मतलब कैश दिया है वो जस्ट $545 जो है वो दिया है और $10 मतलब मुझे स्टोर वालों की तरफ से फिर आ गया है। प्लस ये कि सारी चीज़ें भी मुझे फ्री में जो है वो मिल गई हैं और सब चीज़ें बाय करने के बाद जो मुझे प्रॉफिट आया है वो आया है $5 का। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ गुड डील और ये सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल फ्री में बाय की हैं, प्लस मुझे स्टोर वालों ने जो है वो हाथ से पैसे दिए हैं $5, उन्होंने मुझे हाथ से पैसे दिए हैं खुद के, आप ये सब चीज़ें जो है वो घर ले जाएं। और ये सभी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं, रेगुलर मैं इनको मतलब दूसरे स्टोर से बाय करके जो हूँ वो खुद ख़रीदती हूँ। और इसलिए मैं आपको कह रही हूँ जो लोग अमेरिका में नहीं रहते उनको तो इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन जो आपके फ्रेंड एंड फैमिली अदर कंट्रीज़ में रहते हैं उनके साथ वीडियो शेयर करें। और इसीलिए मैंने वीडियो शेयर किया। अभी इस पूरी डील में जो है वो 4-5 दिन बाकी हैं, तो कोई भी जो है वो जाकर स्टोर से जो है ये सब चीज़ें जो है वो बाय कर सकता है और हर स्टोर पर ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन सेम ही जो है वो सेल्स वगैरह चल रही होती हैं।
और मैं एक दफा फिर आपको बता दूं, ये सब चीजें मतलब जिन पर सेल होती है, अक्सर ही वैसे यहाँ पर सेल होती है, मेकअप पर अलग से सेल होती है स्किन केयर में, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक जो है वो चीजें होती हैं। और अगर आप लोग सोचें एक्सपायर्ड होती हैं, तो ये चीजें एक्सपायर नहीं है, यहाँ पर एक्सपायर्ड चीजें बेचना वैसे ही अलाउ नहीं है, यू नो ये अमेरिका है, तो एक्सपायर्ड वगैरह इनकी कुछ नहीं होती, एक्सपायरेशन डेट देख के ही जो हूँ मैं ये सब चीजें जो हूँ वो बाय करती हूँ। तो खैर अक्सर यहाँ पर जो है वो सेल्स लगती रहती हैं, तो कभी जब मेरे पास अच्छे कूपन होते हैं तो फिर मैं इनमें से जो हूँ वो बाय कर लेती हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ, हो सकता है इसमें से आपका भी किसी का फायदा हो जाए। तो बस आज की जो मेरी वीडियो थी वो बस यहाँ तक की ही थी, और आज मैंने स्पेशल जो है एक पूरा व्लॉग इसी पर बना दिया, और बस आज का जो मेरा मजेदार सा ब्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर मेरी वीडियोज आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो उनको जरूर लाइक कर दिया करें, मेक श्योर सब्सक्राइब करने, और एवरी अदर डे यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन के बाद मेरी जो न्यू वीडियो है वो आ जाती है, तो हर एक दिन के बाद जरूर आए मेरे चैनल पे और एंजॉय करें मज़ेदार सी वीडियो। अब दे दें चाहते हैं तो इंशाल्लाह की फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।